महाकाल लोक टीवी है, आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। मध्य प्रदेश वर्षा से निर्मित स्थित और बचाव के लिए जारी कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, आईजी, पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, एसपी जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अति वर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थितियां सामान्य हो जाने तक अधिकारियों कि कर्मचारियों को छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। वैसे तो इस सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है, और ख़ास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है, इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है, उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखें। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रदेश की जनता से कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और वर्षा के इस कठिन दौर में भी अपने परिवार में कोई घटना न घटे इसकी सावधानी रखें। जरा भी आपको लगता है कि मकान कच्चा है या थोड़ा हट जाना चाहिए तो जिला प्रशासन पूरा प्रबंधन कर रहा है आपके लिए, न केवल राहत की व्यवस्था बाकी और भी सारे प्रबंधन उनके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी एसपी कलेक्टर सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की है। मैं उम्मीद करता हूं बाबा महाकाल सबको इस कठिन दौर में भी स्वस्थ रखेंगे। कोई भी कारण से कोई भी घटना होती तो आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन जिला प्रशासन को जरूर बताइए, अपेक्षा में आपसे।